सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में हम दोस्तों को कभी नहीं खोते हैं, हम केवल यह सीखते हैं कि हमारे सच्चे कौन हैं। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए दिमाग से नहीं। मित्र एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और उसका बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत को भी चुरा ले। आज का पंचांग 6 अगस्त 2023 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, सुबह 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 1:43 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 1:43 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मीन राशि 6 अगस्त 2023 दिन रविवार, हाल ही में हुई कोई दुर्घटना या चोट आपको आत्म जागरूक या कमजोर महसूस करा सकती है। खुद को नए सिरे से शुरुआत करने दें और किसी नए काम या प्रशिक्षण के लिए ट्राई करें। कड़ी मेहनत के साथ प्रतिस्पर्धा भी दूर होगी। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के कारण आज के दिन किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त है। जिस सफलता को आप लंबे समय से पाना चाहते हैं आज आपको मिलेगी। परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करें। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। अपने किसी भी प्लानिंग को क्रियान्वित करने से पहले पुनर्विचार करना जरूरी है, इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। युवा अपनी कमियों में सुधार लाकर और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में उचित परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। दिन की शुरुआत में तनाव हो सकता है, इस कारण थोड़ा उदासीन, अपने सोच में बदलाव करने के लिए खुली हवा में वक्त बिताने की कोशिश करें। पूर्व परिचित लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए संयम रखें। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद प्राप्त हो सकती है। इवेंट मैनेजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को लाभ हो सकता है। पार्टनर और परिवार के बीच जो दूरियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। सेहत संबंधी चिंता हो सकती है, डॉक्टर से परामर्श करें। सावधानियां, किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, समझदारी से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त भी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपने लव पार्टनर की भावनाओं को आहत ना करें। रूप कभी कभी वो काम कर जाता है जो शब्द नहीं कर पाते। एक नए हेयर कट के बारे में आपका क्या ख्याल है। नए रिश्ते में किसी भी तरह की पहल करने से न हिचकिचाएं, चाहे प्यार का इजहार हो या अंतरंगता। कड़ी मेहनत और अन्य कार्यों के लिए आज के दिन बेहतरीन है, मगर इनमें अपने प्रेम संबंधों को नजरअंदाज ना करें। अपने साथी के साथ खरीदारी करने या फिल्म देखने के लिए जाएं और अपने जीवन में उसके महत्व को बताएं। आप अपने संबंध को लेकर जितना प्रयास करेंगे उसका प्रभाव लंबे समय तक आप दोनों को आनंद देगा। बात करते हैं करियर की। आज धन और खुशी दोनों आपके कार्ड्स में है। आप अपनी खुशी और कमजोरी के बारे में जानते हैं व अपने लक्ष्य की तरफ अड़िग हैं। अपने कामों को देखें क्योंकि वही आपकी नियति है। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। कार्यस्थल में मिली प्रसिद्धि आपको लंबे समय तक भौतिक सुरक्षा और सफलता प्रदान करेगी। आगे बढ़ने और अपने सपनों को पाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कुछ अप्रत्याशित करियर और नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। जीवन में उपलब्धियों से अधिक आपका दृष्टिकोण मायने रखता है।
बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम के दुष्प्रभाव की वजह से पेट दर्द और भूख ना लगने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हल्का आहार ले तथा उचित इलाज भी अवश्य लें। सेहत संबंधी चिंता हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आज का उपाय, आज अब गौ माता का पूजन करें और उन्हें चारा खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।